नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जैसे कि आपका जो KVS GSA का एग्ज़ाम तो हो चुका है लेकिन अभी आंसर की नहीं आई है, लेकिन जो आपका सेकेंड फेज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो टाइपिंग और CPT आपका टेस्ट है, उसके लिए आप निरंतर मेहनत करते रहिए। जहां से भी आपको कंटेंट मिले पढ़ते रहिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिर CPT का जो टेस्ट है आपका वो किस फॉर्मेट में होगा, प्रैक्टिकल बेसिस पे होगा या MCQ बेस्ड पे होगा। वो डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया था, टाइपिंग फॉन्ट का डाउट क्लियर कर दिया था। और उस वीडियो में मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि जो भी हमसे नहीं जुड़े थे GSA के पेड क्लास में, ठीक है, उनके लिए अगर उनको CPT के लिए अगर बैच चाहिए तो वो हमसे ज़रूर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें कि सर हमें CPT के लिए कुछ हेल्प चाहिए, तो हम ज़रूर आपका कुछ हेल्प करेंगे। तो उसमें जैसे वो वीडियो चली तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट व्हाट्सएप पे आए कि सर मुझे CPT के लिए चाहिए, कंटेंट CPT के लिए चाहिए। तो उस क्रम में सभी के जवाब मैं नहीं दे पा रहा था, इतने ज़्यादा मैसेज आ गए थे। इस वजह से मैं सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको बता दूँ कि टीम ने आपके CPT की तैयारी के लिए क्या किया। जैसे मैंने कह रहा था कि ऑलरेडी मेरे पास बैच था जो GSA का, उनके लिए तो वो बैच है ही है, पूरा उसी में सब कुछ है। लेकिन जब केवल अगर आपको CPT तैयार करना है, अगर आपके स्कोर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मेरे 85 प्लस हैं मैं और सेफ जोन में हूँ, आप सेकेंड स्टेज पर जा रहे हो, तो आप CPT ज़रूर तैयार करो, क्योंकि आपके 100 मार्क्स से 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर नहीं लाते हो तो फिर आप जो भी मेहनत की है वो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो उसी में आपको CPT कैसे तैयार करना है, तो भैया आप लोगों के ही कहने पर आप लोगों ने काफी मैसेज किया, ये VOD बैच बनाया गया है जो परीक्षा प्लस ऐप पर। आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि ये VOD बैच आपको कहां मिलेगा। ये VOD बैच आप प्ले स्टोर से, ठीक है, प्ले स्टोर से आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिएगा। परीक्षा प्लस जैसा जो हमारा लोगो है यूट्यूब पे, वही लोगो होगा, बाकी दूसरा ऐप मत इंस्टॉल करिएगा। परीक्षा प्लस ऐप आप इंस्टॉल करिएगा, वहां पे सबसे पहले आपको जो दिखेगा वो KVS GSA स्किल टेस्ट, CPT स्किल टेस्ट कंप्यूटर का बैच दिखेगा, ब्रैकेट में लिखा रहेगा कंप्यूटर। ये VOD बैच है जो एक नाममात्र शुल्क में चालू किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सब लोग जुड़े, भाई जिससे आपको लग रहा है कि आप अपने मन से तैयारी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी करो। इस और यहां पे आपको कोई कंटेंट आपका कहीं भी कोई बुक की जरूरत नहीं है, आपको जितना वीडियो दे दिया जाए, जितना प्रैक्टिस क्लास दे दिया जाए और जो नोट्स दे दिया वो सफिशियंट है, क्योंकि वही आपको मैंने जितना आपको बताया था पेड क्लास में GSA वालों को कि जितना मैंने उनको पढ़ाया उससे ज्यादा नहीं आया, ठीक है। 1000 के अप्रोक्स बच्चे हमसे जुड़े थे, तो ऑलमोस्ट यहां पर जो है आपके जो अलग से जो कभी हमसे नहीं जुड़े थे उन बच्चों के आग्रह पर ये बैच VOD बैच है। ये कैसा बैच है, ये VOD बैच है। तो इस बैच की क्या खासियत है मैं बता दे रहा हूं। इस बैच में आपको MS ऑफिस पूरा का पूरा डिटेल क्लास, ठीक है, MS ऑफिस की क्लास है, क्लास पूरी डिटेल है, ठीक है, इसकी डिटेल क्लास है। इसकी एमएस ऑफिस में आपका वर्ड आ गया, ठीक है, एमएस ऑफिस में वर्ड आ गया, उसकी पूरी डिटेल क्लास है। इसकी प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिस क्लास भी है, मतलब MCQ क्लास भी है आपकी, ठीक है, इस वर्ड की। फिर ऐसे ही आपके एक्सेल की डिटेल क्लास है और एक्सेल की MCQ क्लास भी है पूरा। पावर पॉइंट की भी यही चीजें हैं। आपका MSSS का भी क्लास दिया गया आपको और इंटरनेट की क्लास दी गई है, ठीक है, इंटरनेट की क्लास दी गई है। और इसी के साथ इंटरनेट में आपका का बहुत कुछ आ जाता है, इंटरनेट नेटवर्क से रिलेटेड रखता है, तो नेटवर्क भी मैंने क्लास में लगवा दिया है आपको, क्योंकि इंटरनेट जहां आ जाता है ना वही नेटवर्क की भी आ जाती है, तो इंटरनेट से ज्यादा क्वेश्चन ना बनके नेटवर्क से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए दोनों आपकी क्लास लगा दी गई है। अभी बात है कि यहां तक आपके MCQ क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, MSSS के भी मैंने 500 के करीब, ठीक है, ये ध्यान रखिए। PDF में आपको क्या मिलेगा, पूरा नोट्स मिलेगा, फुल नोट्स आपको मिलेगा, जो आपका टॉपिक है ना उसका फुल नोट्स मिलेगा। उसके बाद से MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे सभी टॉपिक के, ठीक है, जो आपके सभी टॉपिक हैं, ऑल टॉपिक्स के आपके क्या मिलेंगे, MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके एक्सेल के, पावर पॉइंट के, आपके उसके बाद से वर्ड के कम 100 100 200 200 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं।
एमएसएसएस के कम से कम 300 से 400 प्रश्न आपको दिए गए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। इंटरनेट और नेटवर्क वाला आपका पोर्शन बचा हुआ है, इसके भी आपको जल्द में ही आपको 200-300 क्वेश्चन जो है, जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 200-300 एमसीक्यू क्वेश्चन, वो मैं आपको लगवा दूंगा। और इसकी जो क्लास है, एक भी मैं अभी बता दे रहा हूं कि वेडनेसडे से, अगले आपके वेडनेसडे से ये क्लास चलेगी इसमें, और वो क्लास कौन सी होगी, वो आपकी एमसीक्यू क्लास चलाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू क्लास आपकी लाइव चलेगी, इसमें लाइव एमसीक्यू क्लास चलेगी, जिसमें आपको इंटरनेट के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है, एमएसएसएस के क्वेश्चन कराए जाएंगे और नेटवर्क के क्वेश्चन कराए जाएंगे। फिर आपका जैसे ही, ठीक है, उसके बाद से आपके, क्योंकि हमने एमसीक्यू एक्स वर्ड एक्सेल के बहुत सारे करा दिए हैं, और भी अगर मुझे लगता है कि कुछ बचा हुआ होगा तो ऑफिस के भी मैं क्वेश्चंस आपके सामने, रिसेंट के एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैं करा दूंगा। तो ये आपका वेडनेसडे से, अगले वेडनेसडे से क्लास चलेगी, और जैसे ही आपका एग्जाम करीब आ जाएगा तो इसकी मैराथन भी मैं ले लूंगा, ठीक है। और ये सब ऐप पर चलेगी, कोई यूट्यूब पे नहीं चलेगा, ये आपका ऐप पर चलेगा, जो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास है वो ऐप पर चलेगा। थ्योरी क्लास आपको वीओडी दिया गया है, जो थ्योरी भी है और पहले की जो प्रैक्टिस है वो आपको वीओडी दिया गया है इसमें। अब इस बैच का प्राइस क्या, ये सब कुछ आपको मात्र 399 में मिल रहा है। कितने में? 399 में है। आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करो, वहां से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो ये 399 का पूरा बैच है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पहला प्रश्न कि आपको तैयारी कैसे करनी है सीपीटी का, फुल डिटेल है, पूरे डायग्राम के साथ प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको पढ़ाया गया है, लेकिन क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराएंगे और लाइव में भी एमसीक्यूज मैं कराता रहूंगा। दूसरी बात, आप लोग पूछ रहे हैं कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर क्या होगा, ठीक है, क्या जो टाइपिंग है वो सॉफ्टवेयर पे होगी? तो ये ध्यान रखो कि मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जिनको टाइपिंग नहीं आती है और वो हिंदी सोच रहे हैं सीखना, वो हिंदी टाइपिंग मत सीखें। हिंदी से ज्यादा जल्दी अगर आपको कोई टाइपिंग नहीं आती है तो आप हिंदी टाइपिंग पर मत बजना, मेरी बात ध्यान रखना। आप इंग्लिश सीख लो, जल्दी सीख जाओगे, इंग्लिश टाइपिंग सीख जाओ, जल्दी सीख जाओगे इसको, ठीक है। और जो भी आपकी टाइपिंग होगी ना वो सॉफ्टवेयर पे होगी, पेपर बेस्ड नहीं होगा कि आपको वर्ड पे है उस पे करना है, तो टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे होगी। आप कोई भी जो है टाइपिंग, जो इंडिया टाइपिंग टूल्स है उस पर आप टाइपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन कई टाइपिंग टूल्स आपके आते हैं, उस पर आप सर्च मारो, उसी पर आप लोग क्या करो, उसी पर आप लोग टाइपिंग करो, उसी पर प्रैक्टिस करो। बच्चों के यह सवाल है, सर टाइपिंग में वर्ड हाईलाइट होगा कि नहीं? अब जैसा सॉफ्टवेयर होगा, चांसेस यही है आपके 90% की आपके वर्ड हाईलाइट होंगे, ठीक है। जो भी आपके आप टाइप करोगे वो हाईलाइट होता जाएगा, तो हाईलाइट का ऑप्शन रहेगा। बाकी अगर कोई अपग्रेड हो जाता है सॉफ्टवेयर में तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन हाँ टाइपिंग आपका सॉफ्टवेयर में होगा। तो इसलिए आप लोग वर्ड पे मत टाइपिंग करो, नोट्स पे, कुछ बच्चे कर रहे हैं सर मैं नोट पे टाइपिंग कर रहा हूं, एमएस वर्ड में टाइपिंग कर रहा हूं, नहीं, आप सीधे सीधे जो आपके जेआर टाइपिंग है, इंडिया टाइपिंग टूल्स है, इन सभी पर आप टाइपिंग करो। वहां पे आपको और भी कई सारे टाइपिंग टूल्स हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हो टाइपिंग के लिए, ठीक है। वहां आपको सब कुछ एक्यूरेट, आपकी स्पीड, नेट स्पीड, आपका सब कुछ वहां पे आ जाता है, तो वहां पे आप करोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल का एक फीलिंग आएगा, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया। जिन बच्चों को भाई आपका जो सीपीटी से जुड़ना है कि आपको सीपीटी की तैयारी करनी है, क्योंकि 100 में आपके 40 मार्क्स लाना कंपलसरी, अगर नहीं लाए तो आप जितना भी स्कोर किए वो धरा का धरा रह जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा फाइनली। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे, वर्ड के सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, बाकी ये सब तो 5-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 5-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ही मिला के तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। तो इस पे तो मैं ऑलरेडी इतना क्वेश्चन दे चुका हूं, इतने प्रैक्टिस एमसीक्यू करा चुका हूं कि अगर आप पढ़ लिए तो उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। बाकी और भी जो अभी मैं देखूंगा रिसेंट में कुछ क्वेश्चन मुझे मिलते हैं वो मैं और फिर से शुरू कर दूंगा। तो जो भी अगर और समस्या है किसी को भी सीपीटी से लेकर, वो अपने कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।